क्षेत्र के लिए बसें चल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर सभी मार्केट्स खुल गए हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ चल रही हैं और मार्केट्स में रिटेलर्स के लिए और होलसेलर्स के लिए प्लस औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी लोगों का मूवमेंट, फ्री मूवमेंट होना बहुत आवश्यक है यहाँ की इकोनॉमिक उसको बढ़ाने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए। तो अभी हमारी काफ़ी दिनों से जो संभागीय यहाँ संगठन है आपका बस ऑपरेटर्स का, कनाव जी हैं, राघव जी हैं, सुखदाव जी हैं, इनसे मिलकर हम लोग संपर्क में थे और इन लोगों की मांगी थी, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऐसे मिस्टर सब भी थे, उनके स्तर पे ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे निर्णय हुआ, आज मुझे कम्प्लीट हुआ था, जिसमें इनकी जो प्रमुख मांग थी गैस माफी की, तो अप्रैल से अगस्त तक की एक सहमति बन गई है कि वो इसमें माफ़ किया जाएगा, सितंबर में 50% दिया जाएगा। और जो किराए को लेकर के डीजल की कॉस्ट बढ़ी है उसकी प्रक्रिया रहती है, उसकी डिसीजन दिया जा रहा है, किराया निर्धारण समिति है और उसको जो किया बैठक ले करके इसकी जो भी है अनुशंसा चीज़ें कर रहे हैं। इसको एक मांग आप लोगों की और है जो परमिट सेंटर को लेकर के, उसमें अभी हम लोग चर्चा चल रही है आपस में, मैंने कुछ पॉइंट से बोला है एसोसिएशन के अधिकारियों को कि उसमें हम लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से उसमें जो गड़बड़ियाँ हो सकती हैं उनकी ट्रेन में कैसे रोकी जा सकेगी। आप लोग परमिट कर रहे हैं, आप लोग जैसे प्रस्ताव को देंगे उसको इस बजे हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिफेंस चीफ सेक्रेटरी को उसको करेंगे, अनुशंसा के तरफ दे देंगे। बसों डॉक्टर साहब के प्रयास से और चार पाँच दिनों से चर्चा चल रही थी, शासन के द्वारा हमारी मांगे टैक्स की मंजूर कर ली गई है, जो कि सूचना जिसकी अभी माननीय कलेक्टर साहब ने दी है, तो हम अतिशीघ्र आज कल में हमारी गाड़ियां चालू कर देंगे, इंदौर संभाग का संचालन शुरू हो जाएगा। कुछ मांगे जो दो तीन हैं प्रमुख, उनका आश्वासन दिया है माननीय कलेक्टर साहब की मध्यस्थता से, वो भी अतिशीघ्र निराकरण हो जाएगा, हम उसका संचालन कल से मतलब बसें शुरू हो जाएंगी। शुरू आपका पूरा परिचय ब्रजमोहन राठी अध्यक्ष इंदौर संभाग बसाना।